ओके, तो अब हम लोग चालू करते हैं क्या, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? सिंपल सी बात है, हम लोग एक चीज जानते हैं, जो रॉड जो है वो इफेक्टिवली एक स्प्रिंग की तरह ही काम करता है। सो दिस इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन। सो यहां पर इसको पहले हम स्प्रिंग की तरह ट्रीट करेंगे, और स्प्रिंग की तरह ट्रीट करने के बाद उसको हम लोग रॉड में रिकन्वर्ट करेंगे। अच्छा, याद दिलवाने के लिए, अगर मेरे पास कोई एक स्प्रिंग हो, अगर मेरे पास कोई एक स्प्रिंग हो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, राइट, और वो वाले स्प्रिंग को अगर मैं फोर्स लगाते हुए एक्स अमाउंट से इलोंगेट करता हूं, सिंपल सी बात है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है दैट इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। याद दिलाने के लिए ये वाला फॉर्मूला मैंने लिख दिया, राइट। नाउ अब मेरे पास एक रॉड है, रॉड या वायर जो भी है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है ए, इसका जो लेंथ है ये लेंथ है एल, इसका जो यंग्स मॉडुलस है वो है वाई। अब मैंने इसको फोर्स एफ से खींचा, इसको मैंने फोर्स एफ से खींचा, तो जैसे मैं फोर्स एफ से खींचूंगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, इसका जो करेस्पॉन्डिंग इलोंगेशन है वो इलोंगेशन मेरे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा एल, राइट। सो इसको अगर हम करेस्पॉन्डिंग स्प्रिंग की तरह ट्रीट करें तो हम जानते हैं इसका जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग है उसका के होता है ए वाई अपॉन एल। सो जो करेस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी डेल्टा यू दैट इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स की तरह यहां पर काम कर रहा है डेल्टा एल, तो सिंपल सी बात है दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू ए वाई अपॉन एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर, दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द रॉड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कोई भी रॉड का, स्ट्रेच रॉड का, इतना होने वाला है। सो नाउ लेट्स सी क्या लिख सकता हूं मैं, U इक्वल्स टू हाफ ए वाई, ऊपर नीचे में L से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर L स्क्वायर आ जाएगा, अब गौर से ध्यान देना जो मैं कर रहा हूं, ये आ गया y, यहां पर लिख दू डेल्टा एल बाई एल का होल स्क्वायर इंटू ए एल। ध्यान देना ये स्ट्रेन है डेल्टा एल बाई एल, ए इंटू एल इज नथिंग बट वॉल्यूम। सो u बाई वी अगर मैं निकालता हूं, दिस इज हाफ इंटू y इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर। सो इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड, इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ
इंटू y इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर. नाउ दैट इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. तो कोई भी अगर मेरे पास इलास्टिक रॉड है जिसके अंदर मैं स्ट्रेन डिलीवर कर रहा हूं, इसके अंदर मैं स्ट्रेन डिलीवर कर रहा हूं, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी सिंपली हाफ वाई इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर. नाउ स्ट्रेन में क्या लिख सकता हूं? स्ट्रेन इज नथिंग बट स्ट्रेस बाय वाई. तो यू बाई वी को मैं और एक चीज लिख सकता हूं या नहीं? स्ट्रेन के जगह पे स्ट्रेस बाय वाई लिख दो, इट विल बी नथिंग बट स्ट्रेस स्क्वायर बाय टू वाई. तो ये हमारा एक ऑल्टरनेट रूप है इसका. और उसी का मैं और एक ऑल्टरनेट रूप के बारे में अगर सोचूं, मैं काम कर लूं यू बाई वी हाफ, एक स्ट्रेन को मैं बाहर कर लूं और दूसरे वाले पे y इंटू स्ट्रेन लिख दूं. नाउ y इंटू स्ट्रेन इज नथिंग बट स्ट्रेस. तो u बाई वी विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. U by V is equals to half into stress into strain. तो ये तीन जो हमारे पास important formula आया है, तीनों basically semi formula है, पर तीनों form में हमें याद रखना है. तो एक चीज ध्यान देना, अगर मान लो मेरे पास एक rubber है और मेरे पास एक steel है, दोनों पर अगर मैं equal amount of force apply करूं, यानी दोनों पे मेरा जो स्ट्रेस है वो सेम है, तो जिसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा उसका एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम डेफिनेटली कम होगा. यानी स्टील में हम अगर नॉर्मल फोर्स लगाते हैं तो ना के बराबर एनर्जी स्टोर होगी, बट वहीं पर अगर मैं रबर बैंड पे लगाता हूं तो इन दैट केस उस पर एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर होगी, डेवलप होगी. वहीं पे अगर मैं दोनों पे इक्वल स्ट्रेन अप्लाई करूं, तो दोनों पे इक्वल स्ट्रेन अप्लाई करने पर जिसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा उसका पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा. तो रबर बैंड और अगर स्टील है, दोनों पे मुझे अगर इक्वल स्ट्रेन पैदा करके छोड़ा तो इन दैट केस स्टील के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रबर बैंड, क्योंकि स्टील के अंदर उतना स्ट्रेन डेवलप करना ही अपने आप में एक भयंकर टफ काम है, राइट? तो ये है हमारा बेसिक एनर्जी एनालिसिस. क्वेश्चंस देख लेते हैं एक आध क्या है. ध्यान दो, हमने ये क्वेश्चन पहले किए हैं. मेरे पास एक रॉड है, इसका मास है m, लेंथ है l, यंग्स मॉड्यूलस है y, क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, इस डायरेक्शन में g है. तो कैलकुलेट टोटल एनर्जी stored inside the rod. Calculate the total energy stored inside the rod. ये पहला. Calculate work done by ग्रेविटी, और उसी के साथ
कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस्ड इफ एनी, अगर कोई हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके बारे में भी मैं बातचीत करूंगा। अच्छा, कल हम लोगों ने किए थे, एक बार वापस फटाफट डिराइव कर लेते हैं, ज्यादा सोच समझाऊंगा नहीं मैं इसमें। नीचे से x दूरी पर मैं एक dx का टुकड़ा काटूंगा, यहां पे एक dx का टुकड़ा काटूंगा, राइट। अच्छा, तो मेरे पास क्या आ गया था, इलॉन्गेशन dE कितना आएगा मेरे पास, इसके चलते जो फोर्स लग रहा था वो नीचे वाले पार्ट के चलते ही तो लग रहा था, इट विल बी सिंपली लैम्डा xg अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉड्यूलस, ये मेरा था डी, राइट। ओके, तो यहां से मैं पहले एक बार टोटल इलॉन्गेशन निकाल के रख लूंगा, तो टोटल इलॉन्गेशन डेल्टा एल विल बी लैम्डा एक्स जी बाय ए वाई इंटीग्रल, सॉरी इंटीग्रल एक्स डी एक्स व्हेन एक्स वेराइज फ्रॉम जीरो टू एल। नाउ लैम्डा एल को कैपिटल एम लिखूंगा, तो टोटल इलॉन्गेशन जो आ जाएगा मेरे पास डेल्टा एल दैट विल बी इक्वल्स टू एम जी एल बाय टू ए वाई, ये मेरे पास टोटल इलॉन्गेशन आ जाएगा। राइट, ओके, नाउ एनर्जी कैसे निकालूंगा, ये जो एक बहुत छोटी जगह है उसके अंदर ये स्ट्रेन है, तो जो छोटा सा एनर्जी स्टोर होगा उतनी जगह पर du by dv will be half into Young's modulus into strain square, right? So इतनी जगह पर जो एनर्जी स्टोर होगी हाफ y लैम्डा एक्स जी बाई ए वाई डीएक्स का होल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आ जाएगा मेरे पास, हाँ कि ना, ये मेरा छोटा सा इलॉन्गेशन है, सॉरी डी ई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, हाँ मुझे स्ट्रेन लिखना था, राइट, समझ में आया, डी इज द इलॉन्गेशन, सो डी बाई डी एक्स इज द स्ट्रेन एंड हाफ वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, सो डी बाई डी एक्स का वैल्यू मैंने पुट कर दिया तो ये मेरे पास आ चुका है। सो डेल्टा यू मेरे पास कितना आएगा, हाफ इंटू वाई लैम्डा स्क्वायर जी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू ए इंटू एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये मेरे पास आ जाएगा। सो नाउ ए ए इज कैंसल्ड, वाई वाई इज कैंसल्ड, सो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर जी स्क्वायर बाय टू ए वाई इंटू एक्स स्क्वायर डीएक्स इंटीग्रेटेड फ्रॉम जीरो टू एल, सो कितना आएगा। अच्छा, बाय द वे लैम्डा एल इक्वल्स टू एम, तो यहां पर कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर जी स्क्वायर, एम स्क्वायर जी स्क्वायर इंटू एल बाई सिक्स ए वाई, ये मेरे पास आ जाएगा डेल्टा यू, जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर होने वाला है। ध्यान देना यहां पे एल क्यूब बाई थ्री आएगा, यहां पर जो एल क्यूब बाई थ्री आएगा
वो एल क्यूब बाई थ्री में, लैम्डा स्क्वायर एल स्क्वायर को मैंने एम लिख दिया, एम स्क्वायर हो गया, एक एल बच जाएगा, तो ये है मेरा कैलकुलेशन, दैट इज माई डेल्टा यू, राइट। अच्छा, ये तो मेरे अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ उतना है। अब बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है। इंपॉर्टेंट सवाल ये है, जो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, कुछ कर सकते हैं क्या, सोचो एक बार। अच्छा, कुल मिला के इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है, इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास डेल्टा एल बाय टू से डेफिनेटली नीचे आया है। अगर रॉड का इलोंगेशन डेल्टा एल होता है तो सेंटर ऑफ मास जितने से नीचे आता है दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एल बाय टू। तो सेंटर ऑफ मास कम्स डाउन बाय अ डिस्टेंस इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एल बाय टू, दैट इज एम जी एल बाय फोर ए वाई। ये सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट है, सेंटर ऑफ मास पे फोर्स में एम जी मान सकता हूं। तो डेल्टा डब्ल्यू द वर्क डन बाय ग्रेविटी is equals to mg into the displacement of center of mass so gravity ne itna kaam kiya hai jiske andar itna hi energy hamara rod ke andar store hua hai to simple si baat hai ध्यान देना जो हमारा हीट प्रोड्यूस्ड होगा वो होगा जितना काम उसने किया है, क्योंकि इतना तो स्टोर हो जाना चाहिए था, माइनस जितना एक्चुअल में हुआ है। सो हीट प्रोड्यूस्ड एच equals to m square g square l by 12 a y, that is the amount of heat produced during the elongation of the rod. तो एक बात ध्यान देना, elongation is always exothermic and compression is always loading, यानी elongation, यानी इसको जब मैं खींचूंगा तो हीट हमेशा प्रोड्यूस होगी, और जब मैं इसको अनलोडिंग करूंगा यानी धीरे 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 मैं इसका फोर्स को कम होने दूंगा, वो प्रोसेस हमेशा एंडोथर्मिक है। समझ में आया, यानी एक बात ध्यान देना, लोडिंग इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, अनलोडिंग इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। ओके, तो बेसिक स्ट्रेस स्ट्रेन का जो रिलेशन है और हमारे पास जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके बारे में चर्चा हम लोगों ने कर चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन में अभी डिराइव करूंगा, ठीक है, बट मोटे मोटे तौर पे क्या करना है आई होप यहां पर समझ में आ गया होगा। चलो फिर चालू करते हैं, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो देखो ध्यान दो, मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, मासलेस रॉड है, इसको मैंने कॉन्स्टेंट फोर्स एफ से खींच रहा हूं, इसका लेंथ है L, यंग्स मॉडुलस है Y, और जो करेस्पॉन्डिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया है
वो है वाई. सो कैलकुलेट. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड. कैलकुलेट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड. दूसरा वर्क डन बाय फोर्स. एंड थर्ड हीट प्रोड्यूस्ड. जल्दी जल्दी करते हैं तीनों पार्ट. पहला डेल्टा एल सिंपली कितना आएगा हम जानते हैं. दिस विल बी इक्वल्स टू एफ एल बाई ए वाई. ये मेरे पास डेल्टा एल आएगा राइट. सो यू बाई वी हाफ इंटू वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल का होल स्क्वायर. एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. सो U equals to half y a square y square into volume. That is equals to AL. Okay. So, kitna aa jayega mere paas? This AA is cut. YY is cut. So, U aa jayega mere paas F square L by 2AY. ये है हमारा एनर्जी स्टोर्ड राइट. इतना पोटेंशियल एनर्जी हमारा स्टोर हुआ है. अच्छा ये वाला फोर्स जो लग रहा है मैं एक्सटर्नल फोर्स तो कॉन्स्टेंट ही लगा रहा हूं. और ये वाला जो हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डेफिनेटली डेल्टा एल अमाउंट से नीचे आया है. ये जो हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स है वो डेफिनेटली मेरा डेल्टा एल से नीचे आया है. सो वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू इज द फोर्स अप्लाइड इन टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दैट इज एफ इन टू डेल्टा एल. नाउ डेल्टा एल का वैल्यू हमारे पास सिंपली कितना आ जाएगा एफ एल बाई ए वाई. तो डेल्टा डब्ल्यू मेरे पास आ जाएगा एफ स्क्वायर एल बाई ए वाई. ये मेरे पास आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू. And third, जो हमारा heat produced होगा वो कितना होगा. That is nothing but delta W minus U. That will be equals to FL square by 2AY. यानी simple सी बात है अगर constant force है massless rod है तो exactly जो हमारी आधी energy है वो हमारा heat के form में जाएगा और बाकी आधी जो है वो हमारा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होने वाला है. जितना वर्क मैं करूंगा आधी जाएगी हीट में आधी जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में. और क्या क्वेश्चन आ सकता है इसके रिगार्डिंग. चलो देख लो. सिंपल सी बात है मेरे पास अगर मान लो एक रॉड है इसका मास है m, लेंथ है l, यंग्स मॉड्यूलस है y, क्रॉस सेक्शनल एरिया है a. मैंने इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा नॉट से गोल गोल घुमा दिया. तो यहां पर सवाल यह है कैलकुलेट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड. कैलकुलेट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड. तो क्या करेंगे हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा. यहां से कोई भी जनरल डिस्टेंस r पर मुझे एक dr का टुकड़ा काटना है और उसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे टेंशन है वो टेंशन t मुझे निकालना पड़ेगा. टेंशन टी को मैं कैसे निकालूंगा. ये जो टेंशन टी है
वो मेरा बचा हुआ पार्ट का सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है घुमाने के लिए, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? इस रॉड का एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स एक स्मॉल स्ट्रिप काट लो ऑफ लेंथ dx, राइट? तो इसका जो dm होगा करेस्पॉन्डिंग, दैट विल बी लैम्डा इनटू dx. सो इसको घुमाने के लिए जो हमें चाहिए होगा df, दैट इज dm ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू x. ये फोर्स का मेरे पास रिक्वायरमेंट होगी. तो जो टोटल फोर्स का रिक्वायरमेंट होगी सेंट्रिपेटल, दैट इज लैम्डा ओमेगा नॉट स्क्वायर x dx व्हेन x इज इंटीग्रेटेड फ्रॉम r टू l. और ये जो फोर्स है वही मेरा उस पॉइंट का टेंशन है. तो मेरे पास टेंशन जो आ जाएगा, टेंशन t इक्वल्स टू लैम्डा ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई टू इंटू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. राइट. नाउ अब जो मैं ये टुकड़ा काटा हूं, ये मेरा टेंशन है, तो मेरा करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस क्या आएगा? स्ट्रेस विल बी सिंपली टी बाई ए. So that will be equals to lambda omega naught square by 2a L square minus R square. ये मेरे पास स्ट्रेस आ गया. तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम U by V कितना आ जाएगा मेरे पास? U by V कितना आ जाएगा मेरे पास? That will be simply equals to half stress square lambda square omega naught to the power 4 by 4a square l square minus r square by Young's modulus y. ये मेरे पास क्या जाएगा? Energy stored per unit volume half stress square divided by y. ये आ गया. तो जो total energy आएगा ये हो गया मेरा du by dv. And du कितना आ जाएगा मेरे पास? अब मैं dv से multiply करूं, that is nothing but a into dr. तो कितना आ जाएगा? Lambda square omega not square by 8a square y into dv, a dr. तो एक a में खत्म कर दूं. इंटू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी आर. ये मेरे पास डी यू आएगा. तो डेल्टा यू मेरे पास कितना आ जाएगा? लैम्डा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई एट ए वाई इंटीग्रेशन ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर डी आर, दैट टू बी इंटीग्रेटेड From 0 to L. Lambda का वैल्यू याद रखना, that is M by cap L. So क्या आएगा मेरे पास delta U? Let's see. Delta U मेरे पास सिंपली आ जाएगा capital M square into omega naught square by 8AY into L square. चलो इसको ओपन करते हैं, मनी मन इंटीग्रेट करते हैं. पहले आएगा एल टू द पावर 4, वो तो कांस्टेंट है, बाहर होगा. इंटीग्रल डी आर कितना आएगा? आर 0 टू एल इंटीग्रेट कर रहा हूं एल टू द पावर 5, राइट? यहां पर आएगा माइनस टू एल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर. माइनस टू एल स्क्वायर बाहर, आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3, तो कितना हो जाएगा? एल क्यूब बाई 3. तो माइनस टू एल टू द पावर 5 बाई 3 और इंटीग्रल आर टू द पावर 4 डी आर, तो वो कितना हो जाएगा? आर टू द पावर 5 बाई 5. 0 टू एल इंटीग्रेट करूंगा प्लस एल टू द पावर 5 बाई 5. सो डेल्टा यू मेरे पास आ जाएगा
एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर एल क्यूब बाय 8ay एल टू द पावर 5 मैंने कॉमन ले लिया 1/3 + 1/5 सो दैट विल बी 8/15 सो इनटू 8/15 सो इट विल बी एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर एल क्यूब बाय 15ay सो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ रोटेटिंग रॉड आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड ओके और क्या क्वेश्चन पूछा सकता है चलो देखो मेरे पास एक स्लैक वायर है ये इस वायर का नेचुरल लेंथ है L यानी जस्ट आउट होने के लिए कंडीशन जो है वो है L ये वाले वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है यंग्स मॉड्यूलस है Y यंग्स मॉड्यूलस जो है वो है Y यहां पर मैंने हाइट H से छोड़ा इस तरफ G है यानी वो नेचुरल लेंथ A से ऊपर उठा के रखा हूं तो राइट नाउ मेरा जो ये वाला ब्लॉक है वायर है वो मेरा स्लैक है ठीक है यहां पर जो बॉल कनेक्टेड है उसका मास है M वायर को मासलेस हमें एज्यूम करना है ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू सिग्मा एम जो इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो हमें कितना दे रखा है सिग्मा एम अच्छा हियर वी अज्यूम ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं जो यहां पर कहीं पर कोई हीट इन्वॉल्व नहीं है तो सवाल बहुत सिंपल है कैलकुलेट H का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू कितना होने वाला है ठीक है H इज सफिशियंटली लार्ज तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है अच्छा सिंपल सी बात है बॉल वापस कहां पे जाके शांत होगा जब इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारा पूरा का पूरा इलास्टिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा यानी मैं लिख देता हूं एक चीज बॉल स्टॉप्स व्हेन ऑल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी gets converted to elastic potential energy. तो मान लो strain जो produce हो रहा है वापस stop होने पर तो obviously बात है झटके से जब वो रुकेगा और झटके से वो उसको करना पड़ेगा तो तभी जाके रुकेगा जहां पर क्या होगा बेसिकली हमारा फाइनल स्ट्रेन क्रिएट होगा वहीं पे जाके रुकेगा वो फाइनल स्ट्रेन को मैंने मान लिया डेल्टा एल बाई एल राइट डेल्टा एल इज द इलोंगेशन बाय द वे डेल्टा एल इज वेरी स्मॉल तो प्रैक्टिकली बॉल का जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है वो हम MgH मानने वाले हैं डेल्टा एल एक्सट्रीमली स्मॉल डेफिनेटली होने वाला है सो MgH हाफ इंटू वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल का होल स्क्वायर इंटू ए एल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है उसको मैंने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया सो सिंपल सी बात है जो डेल्टा एल बाई एल का होल स्क्वायर आएगा दैट विल बी टू एम जी एच बाई ए एल वाई सो डेल्टा एल बाई एल
ये आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये है मेरा स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड। सो स्ट्रेस, मेरे पास क्या आने वाला है? यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन, एंड दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू द ब्रेकिंग स्ट्रेस। सो सिंपल सी बात है, यंग्स मॉड्यूलस वाई इनटू डेल्टा एल बाई एल, मैंने वैल्यू निकाला हूं, दो तक स्क्वायरिंग मार दो, वाई स्क्वायर इनटू 2 mgh by Ly must be less than or equals to sigma m square। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? Yy is cancelled, तो 2 mgh must be less than or equals to Al sigma m square upon Y। So H will be less than AL sigma M square by 2 mg Y। यह है मेरा हीट प्रोड्यूस मैक्सिमम हाइट। अगर हीट प्रोड्यूस नहीं हुआ है उस चीज को एज्यूम करते हुए, अगर मैं उसका एजम्पशन लेता हूं, तो इन दैट केस प्रॉब्लम भयंकर तरीके से कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, वो सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैंने पर्सनली एक बार ट्राई किया था, इट्स नॉट वर्थ इट। ठीक है, तो ये हमारा एनालिसिस है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरीके से कंसिडर करते हैं इन द केस ऑफ एन इलास्टिक रॉड, वो मैंने पूरा का पूरा यहां पर डिस्कशन कर दिया हूं। ओके, अब हमारे पास एक ही चीज बचा है, वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और उसके सारे के सारे प्रॉपर्टीज और मटेरियल के डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब थियोरेटिकल पार्ट बचा हुआ है, न्यूमेरिकली दिस टॉपिक इज कंप्लीटली डन। ओके ओके दोस्तों, तो अब हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बुक्स में अजीबोगरीब तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं, कोई भी जगह पर मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा ढंग का और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिला नहीं था। ठीक है, तो मैं अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, मैं बहुत शांति से पढ़ाऊंगा, बहुत धीरे धीरे आराम से एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। जो जो मैं बोलूंगा वो कॉपी पेन लेके नोट डाउन करते रहना। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व होता है, दिस इज कॉल्ड द इंजीनियरिंग कर्व। यानी अगर हम कोई एक बॉडी है जो नेचुरल लेंथ पे है, अब अगर हम धीरे धीरे उसके ऊपर स्ट्रेस को बढ़ाते रहे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, उस चीज का ग्राफ को मैं कंप्लीटली एनालाइज करूंगा, एक एक पॉइंट एनालाइज करूंगा। याद रखना, टर्म्स जो मैं बताऊंगा उनके बीच में हमें कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। अब तुम्हारे सामने आ रखा है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। मैं ये वाला ग्राफ ड्रॉ किया हूं फॉर बेसिकली हमारा स्टील के लिए, राइट? फर्स्ट हैव अ लुक, देन वी विल एक्सप्लेन। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में पॉइंट ओ से, जब बिना कोई स्ट्रेस था, बिना कोई स्ट्रेन था, वहां पर मैं जैसे जैसे बॉडी में स्ट्रेस अप्लाई करूंगा, यानी फोर्स अप्लाई करूंगा, तो स्ट्रेस जनरेट होगा एंड उसके करस्पॉन्डिंग मेरा स्ट्रेन भी जनरेट होगा। इनिशियली कहीं पर भी मैं अगर देखूं, मेरा स्ट्रेस और स्ट्रेन में ये वाला जो चीज होता है स्ट्रेन में इंक्रीमेंट, इसको मैं बोलता हूं रन, और जो स्ट्रेस में इंक्रीज होता है इसको बोलता है राइज। तो राइज और रन जो एंगल बनाएगा वही तुम्हारा यहां पर एंगल बनेगा थीटा, राइट? ऑब्वियस सी बात है, जो मेरा टैन थीटा होगा
that tan theta will be nothing but rise upon run, and that will be change in stress by change in strain, and that will be obviously equals to Young's modulus. Okay, ये वाला जो मेरा linear relation जहां तक होगा, stress will be proportional to strain, and वहां पे जो ये slope of the line होगा वो मुझे क्या देने वाला है, वो मुझे देने वाला है द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द बॉडी, राइट। तो स्लोप जितना ज्यादा होगा यंग्स मॉड्यूलस भी डेफिनेटली उतना ज्यादा होगा। हम बोलते हैं वो बॉडी उतना ज्यादा इलास्टिक है। तो करते 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 एक सर्टेन पॉइंट आता है ए, इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस जहां तक हमारा हुक्स लॉ फॉलो होता है, उस पॉइंट के बाद अब हुक्स लॉ फॉलो नहीं होने वाला है। तो ए पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, नॉट टू बी कंफ्यूज विद द इलास्टिक लिमिट, वो मैं अभी आता हूं क्या है। ए पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट जहां पर हुक्स लॉ हमारा फॉलो होता है, यानी रन और राइज जो है वो डायरेक्टली आपस में प्रोपोर्शनल होता है। अब ए पॉइंट के बाद में धीरे 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 जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाऊंगा, अभी भी बॉडी मेरा इलास्टिक रहेगा, लेकिन स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो प्रोपोर्शनैलिटी वाली रिलेशन है वो प्रोपोर्शनैलिटी वाली रिलेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहां पर एक नॉन लिनियर रिलेशन होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। तो हमें एक छोटा सा जोन मिलता है ए टू बी, बॉडी अभी भी इलास्टिक है, यानी यहां पर अगर मैं मान लो कोई भी जनरल पॉइंट पे अपना स्ट्रेस को रिलीज कर देता हूं तो बॉडी वापस अपना पुराना पोजीशन को रिगेन कर लेता है। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ए बी जो जोन होता है वो ए बी जोन इलास्टिक जोन ही है, बस प्रोपोर्शनल जोन नहीं है, यानी वहां पर हमारा हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा। बी पॉइंट जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, यील्ड पॉइंट, एंड बी टू सी इसको हम बोलते हैं यील्ड जोन। ये यील्ड जोन जो है वो हर मटेरियल में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन स्टील के केस में वो यील्ड जोन काफी ज्यादा प्रोमिनेंट सा है। यानी यील्ड जोन जो है वो बेसिकली क्या है, विदाउट एनी चेंज ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन में अचानक से एक बदलाव आ जाता है, स्ट्रेन में अचानक से एक बदलाव आ जाता है, यानी बी टू सी मेरा यील्ड जोन है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस या फिर द लिमिट ऑफ इलास्टिक स्ट्रेस। बॉडी उस पर्टिकुलर स्ट्रेस के बाद इलास्टिक नहीं रहने वाला है। बेसिकली यहां पर क्या होता है, जो हमने डिस्कस किए थे जो सॉलिड्स बहुत छोटे छोटे स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं वो हम मान सकते हैं, यहां पर जाने के बाद वो सारे स्प्रिंग्स अचानक से टूटता है तो बॉडी के लेंथ में अचानक से हमें एक इंक्रीज देखने को मिलता है। स्ट्रेस में कोई बदलाव नहीं आता है, यानी रेस्टोरिंग फोर्स में कोई बदलाव नहीं आता है, बट स्ट्रेन जो है वो अचानक से हमारा बदल जाता है। सो ये जो अप टू सी है इसको हम बोलते हैं इलास्टिक जोन। ठीक है, ये बी टू सी बेसिकली ट्रांजिशन है इलास्टिक जोन से खत्म करते हुए प्लास्टिक जोन में एंटर करने के लिए। बी टू सी इज बेसिकली द ट्रांजिशन। स्टील के केस में वो ट्रांजिशन बहुत ही ज्यादा ग्रेजुअल होती है, लेकिन अगर मान लो तुम सॉफ्ट आयरन को लेकर करोगे यू विल सी दैट ट्रांजिशन इज वेरी रैपिड, यानी प्रैक्टिकली बी और सी पॉइंट जो है वो हमारा कन्वर्ज कर जाता है, हमें यील्डिंग मिलती नहीं है। तो नॉर्मली यील्डिंग जो है उसके लिए देखा जाता है जो पॉइंट ऑफ यील्डिंग है बी, बी से जो मेरा प्रोपोर्शनल वाला लाइन है उस लाइन के पैरेलल अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो लगभग लगभग जो हमारा स्ट्रेन आता है वो 0.2% यानी 0.002 आता है। लगभग लगभग ये हर मटेरियल के लिए ट्रू है, अमेजिंगली वो थोड़ा मटेरियल इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो ध्यान देना क्या क्या डिस्कस कर लिए हैं। ए इज द प्रोपोर्शनल लिमिट,
जहां तक क्या हुआ है, जहां तक क्या हुआ है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड राइज वर्सेस रन को डिवाइड करते हुए हमारे पास आ जाएगा यंग्स मॉडुलस। ए से बी जाने के दौरान इलास्टिक जोन में अभी भी है, लेकिन वहां पे हमारा यील्ड पॉइंट एनकाउंटर होगा। ए टू बी हमारा प्रोपोर्शनलिटी नहीं रहेगी, वहां पे कोई कर्व तरीके से आगे बढ़ेगा एंड बी पॉइंट पे आने के बाद अचानक से बिना स्ट्रेस के बदलाव में हमारा स्ट्रेन के वैल्यू में एक ऑल ऑफ अ सडन हमें राइज मिलने वाला है। ओके, सो यहां पर जो है वो क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन देखें। सी पॉइंट के बाद हमारा प्लास्टिक जोन चालू हो रहा है। अब बॉडी जो है उस बॉडी में से मैं जो अपना लोड है उस लोड को अगर विड्रॉ भी कर लेता हूं तो भी मान लो मैं इस पॉइंट पे आने के बाद मैंने अचानक से बॉडी में जितना भी लोड डाला था, फोर्स डाला था एक्सटर्नल, उसको मैं विड्रॉ करता हूं तो बॉडी अपना नेचुरल लेंथ को वापस रिगेन नहीं कर सकता है। तो देखने के लिए क्या करना है, जिस पॉइंट पे हमने छोड़े वहां पर ये प्रोपोर्शनलिटी वाले लाइन पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करो तो वी विल गेट अ सर्टेन स्ट्रेन, बॉडी का लेंथ परमानेंटली उतना बढ़ जाएगा क्योंकि बॉडी अब प्लास्टिक जोन पे एंटर कर चुका है। तो प्लास्टिक जोन पे एंटर कर जाने के कारण बॉडी अपना लेंथ को पुरानी वाली कंप्लीटली रिगेन नहीं कर पाएगा। तो जो परमानेंटली जितना स्ट्रेन डेवलप हो गया दैट इज कॉल्ड द परमानेंट सेट। लेकिन प्लास्टिक जोन में एंटर करने के बाद भी हमारा स्ट्रेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन अब हमारा प्लास्टिक जोन पे स्ट्रेन जो है वो तेजी से बढ़ेगा। यानी ध्यान देना यहां पर ग्राफ जो है हमारा कॉनकेव अप से अब धीरे धीरे कॉनकेव डाउन बनता जाएगा और कॉनकेव डाउन बनते हुए एक पॉइंट डी आएगा जहां पर बॉडी में मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होने वाला है। यहां पर बॉडी में जाके मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होता है, दिस इज कॉल्ड द अल्टीमेट स्ट्रेस। इससे ज्यादा स्ट्रेस हमारा मटेरियल प्रैक्टिकली कभी भी झेल नहीं सकता है। अच्छा बाय द वे, थियोरेटिकली कोई भी बॉडी इनफाइनाइट लेंथ तक बढ़ सकता है, वो जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है उसको लेके हम बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। दिस इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यानी जो अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें जो एविडेंस मिलेगा, यानी यहां पर जाके वो पहली बार मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस होगा एंड यहां पर जो क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं नेक्स्ट फॉर्मेशन। यानी हमारा पास कोई बॉडी था, ठीक है, हम लोगों के पास कोई बॉडी था और अचानक से व्हाट हैपेंस इज रैंडमली कोई एक पॉइंट में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो हमारा सडनली छोटा हो जाता है, दिस थिंग इज कॉल्ड नेक, दिस थिंग इज कॉल्ड नेक। तो डी पॉइंट जहां पर अल्टीमेट स्ट्रेस है उस चीज को हम बोलते हैं नेक फॉर्मेशन। अब इसके फर्दर भी मैं अगर लोडिंग को बढ़ाने का ट्राई करूंगा तो स्ट्रेस तो बढ़ेगा ही नहीं, उल्टे में ये नेक जो है वो हमारा तेजी से छोटा होता रहेगा, लेंथ हमारा तेजी से बढ़ेगा लेकिन उसमें नेक जो है वो हमारी पतली होती रहेगी, पतली होती रहेगी, होते 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 एक सर्टेन पॉइंट आएगा जहां पर बस एक पॉइंट से वो चीज टिका हुआ रहेगा और जैसे ही थोड़ा सा और चेंज, वो पॉइंट है ई, दिस इज द रप्चर और द फ्रैक्चर पॉइंट। इसको रप्चर भी बोलते हैं, इसको फ्रैक्चर भी बोलते हैं, दिस इज द फ्रैक्चर पॉइंट। एंड इसके बाद मैं जैसे ही थोड़ा सा भी और लोडिंग बढ़ाने का ट्राई करूंगा तुरंत वो रॉड जो है वो हमारा दो हिस्से में टूट जाएगा। क्योंकि देखो इंजीनियरिंग कर्व में ये आने का मेन रीजन ये है, जो हर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, हर जो एक रॉड है उसमें परफेक्टली सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं,
हर स्ट्रक्चर के अंदर एक वीक पॉइंट होता है, वो वीक पॉइंट को पकड़ते हुए, वो वीक पॉइंट पहले से प्रेडिक्टेबल नहीं है, जब हमें आईआईटी के अंदर एक्सपेरिमेंट कराया था तो बेसिकली वीक पॉइंट को फिक्स करने के लिए रॉड में एक जगह पे थोड़ा किले मार देता था, छोटा सा हैमर से थोड़ा सा किले को हिट कर देता था, वहां पे एक छोटा सा गड्ढा सा बन जाता था एंड दैट वुड हैव एक्टिंग एज अ रप्चर पॉइंट, क्योंकि रप्चर पॉइंट बाकी अनप्रेडिक्टेबल रहता है, वो कहां पर होगा हम कह नहीं सकते हैं। ये ग्राफ हमने एक्चुअली में ड्रॉ किए थे, जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं वो करोड़ों में आती है, तो वो जो मशीन है उस मशीन पे अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये प्रॉपर ग्राफ हमारे पास बन के आ जाता है। और ई पॉइंट पे जो स्ट्रेस हमारे पास रिकॉर्ड होता है दैट इज कॉल्ड द ब्रेकिंग स्ट्रेस, एंड उसके बाद में हल्का सा ही बढ़ाने जाऊंगा तो टूट जाएगा, और जो इसमें अगर इस लाइन के पैरेलल में ड्रॉ कर दूं तो लगभग लगभग हमें ये जो मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल लेंथ। ब्रेक होने के बाद जो हमें फाइनल लेंथ मिलेगा वो फाइनल लेंथ हमें इस वाले पॉइंट से मिल जाएगा। तो दैट इज द एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। बस ये वाला जो मैंने ग्राफ किया हूं वो मैं स्टील के लिए किया हूं, वरना मुझे ये बीसी रीजन मिलता नहीं, बीसी रीजन हर जगह पे एग्जिस्ट नहीं करता है, वो स्टील के लिए ही सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। बाकी जो थोड़ा आसानी से टूटने वाले मटेरियल है उनके लिए बी और सी पॉइंट प्रैक्टिकली कन्वर्जिंग होता है, यानी इलास्टिक टू प्लास्टिक में कोई ट्रांजिशन नहीं होता है, दैट ट्रांजिशन हैपेंस प्रैक्टिकली ऑल ऑफ अ सडन। यहां पे एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, यानी बेसिकली अगर हम देखें ये इलास्टिक और प्लास्टिक जोन इतना ज्यादा क्लियरली बाइफर्केट नहीं है, दिस इज द ग्रे जोन। यहां पे बॉडी में अभी भी इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टीज है लेकिन थोड़े बहुत प्लास्टिक प्रॉपर्टीज अब डेवलप होना चालू हो रहा है, तो ये जो ट्रांजिशन है दैट इज कॉल्ड बेसिकली द यील्डिंग, YIELDING नीचे लिखा हुआ है, ये शांति से नोट डाउन कर लेना। और अब मैं कुछ स्पेसिफिक टर्म्स डिस्कस करूंगा, इनको लेकर बच्चों के मन में बहुत ही ज्यादा डाउट होता है, यार मेरे मन में तो था, एंड सच बात तो ये है जब मैंने जेई एडवांस दिया था मेरा ये फंडा क्लियर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं था ये सारी बातें, ठीक है, बट ये सारी बातें हमें ध्यान रहना चाहिए। ओके, अब टर्म्स हम लोग क्या क्या देखेंगे, पहला टर्म देखेंगे रिजिडिटी या फिर इलास्टिसिटी। अच्छा, तो फर्स्ट टर्म के करस्पॉन्डिंग हमारा सिंपल पहचान है, यहां पर स्ट्रेस है, यहां पर स्ट्रेन है, ठीक है। रिजिडिटी या फिर इलास्टिसिटी किसका ज्यादा है कैसे देखोगे, अगर दो मटेरियल है ए और बी, ये एंगल बनाता है अल्फा, ये एंगल बनाता है बीटा, सो इसका यंग्स मॉडुलस है वाई ए, इसका यंग्स मॉडुलस है वाई बी, वाई ए इक्वल्स टू टेन बीटा, वाई बी इक्वल्स टू टेन अल्फा। तो डेफिनेटली एक चीज देख सकते हैं, अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, सो वाई ए इज ग्रेटर देन वाई बी, ठीक है। तो हम सिंपली एक चीज बोलेंगे, ए इज मोर रिजिड और इलास्टिक देन बी, ठीक है, ये है रिजिडिटी और इलास्टिसिटी। अच्छा, अगला होता है स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, कौन सा मटेरियल स्ट्रॉन्ग है, कौन सा मटेरियल वीक। अच्छा हाँ, ध्यान देना, इसमें एक प्रॉब्लम है, लोग इसको इलास्टिसिटी के साथ कंफ्यूज करते हैं, नहीं देखो अल्टीमेटली ये डिपेंड करता है स्लोप के ऊपर, जो इसका इलास्टिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डिपेंड करता है सिग्मा ई के ऊपर, राइट। यानी मैं सिंपली एक चीज बोल रहा हूं, दिस इज मोर वाई इंप्लाइज मोर रिजिड, और इलास्टिक स्ट्रेंथ के लिए मैं लिखता हूं
मोर सिग्मा ई इंप्लाइज मोर स्ट्रेंथ। अच्छा, कोई बॉडी, कोई भी बॉडी ये पॉसिबल है जो कि वो कम इलास्टिक हो लेकिन मेरे कह रही कम रिजिड हो लेकिन उसका स्ट्रेंथ ज्यादा हो। देख लो, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है नॉर्मल, हम लोग वाई में हमेशा स्ट्रेस को ही लिखेंगे। ऑब्वियसली ये वाला बॉडी को अगर मैं ए बोलता हूं, ये वाला बॉडी को अगर मैं बी बोलता हूं, तो ऑब्वियसली बात है ए इज मोर इलास्टिक और रिजिड देन बी, दैट्स ऑब्वियस। लेकिन यहां पर जो हमारा सिग्मा ए है वो छोटा है, जो हमारा सिग्मा बी है वो बड़ा है, तो सिग्मा बी ग्रेटर देन सिग्मा ए इंप्लाइज बी इज स्ट्रॉन्गर देन ए। राइट, समझ में आया? तो स्ट्रेस जो ज्यादा झेल पाएगा विद इन द इलास्टिक लिमिट हम बोलेंगे उसका जो हमारा क्या बोलता है उसे बी स्ट्रॉन्गर देन ए, उसका स्ट्रेंथ जो है वो डेफिनेटली ज्यादा है। अब अगला टर्म होता है रेजिलियंस। अच्छा, रेजिलियंस क्या होता है? जो विद इन द इलास्टिक लिमिट हम एक बॉडी के अंदर एट मैक्स कितना एनर्जी स्टोर कर पाएंगे। ना एनर्जी पर यूनिट एरिया हम जानते हैं, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, राइट? ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर, विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट, राइट? उसके बाद थोड़ा सा एक जोन बचता है, मोटे मोटे तौर पे बोल सकता हूं। तो कोई एक बॉडी जितना ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाता है, यानी रेजिलियंस का पहचान है मोर एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब्ड, और मोर एनर्जी के लिए सिंपल सी बात है, हम जो ग्राफ में देखेंगे ये अगर हमारा है तो सिंपल सी बात है ये जो हमारा एरिया है, ये जो हमारा एरिया है, मोर एरिया मीन्स मोर रेजिलियंस। तो मोर एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब्ड। अच्छा, इसमें ध्यान देना, विद इन इलास्टिक लिमिट, बॉडी का इलास्टिसिटी को बिना बिगाड़े बॉडी के अंदर जितना ज्यादा हम एनर्जी स्टोर कर पाएंगे तो उस चीज को हम बोलेंगे बॉडी उतना ज्यादा रेजिलियंट है, और उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे रेजिलियंस। ओके, अगला है डक्टिलिटी। व्हाट इज डक्टिलिटी? डक्टिलिटी इज बेसिकली द प्रॉपर्टी जहां पे हम एक बॉडी से लंबा सा तार निकाल सकते हैं, हम एक लंबा सा तार जितना निकाल सकते हैं उस चीज को हम बोलेंगे वो चीज उतना ज्यादा डक्टाइल है। यानी ये जितना बड़ा मेरा प्लास्टिक जोन होगा, जितना बड़ा मेरा प्लास्टिक जोन होगा, ध्यान देना विद इन द इलास्टिक जोन, ये ग्राफ देख के उतना फील नहीं आ रही है क्योंकि मैंने ग्राफ को थोड़ा मैग्निफाई किया हूं, स्लोप्स वगैरह भी बिगाड़ा हूं, प्रैक्टिकल डेटा यूज नहीं किया हूं। ध्यान देना, यंग्स मॉडुलस एन एक्सट्रीमली ह्यूज वैल्यू, सो द लाइंस आर नियरली वर्टिकल, राइट? स्लोप 10, अगर यंग्स मॉडुलस कितना होता है, 10 टू द पावर 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ऑर्डर्स पे होते हैं, ठीक है? तो वैसे ऑर्डर पे
अगर हम tan थीटा ड्रॉ करेंगे सो tan थीटा विल बी लाइक प्रैक्टिकली ऑफ द ऑर्डर 90 डिग्रीज के आसपास. इट विल बी अ वेरी स्टीप वर्टिकल लाइन. ठीक है, सो उतना वर्टिकल मैंने ड्रॉ नहीं किया. और अब प्रैक्टिकली एक बात को समझने का ट्राई करो, जो भी हमें स्ट्रेन मिलता है वो प्रैक्टिकली हमें प्लास्टिक जोन पे ही मिलता है. प्रैक्टिकली हमें प्लास्टिक जोन पे ही मिलता है. तो डक्टिलिटी जो है वो सिंपल सी बात है, लॉन्गर प्लास्टिक जोन. ठीक है, एंड ब्रिटलनेस इज नथिंग बट द एग्जैक्टली उल्टा ऑफ डक्टिलिटी. जो ज्यादा डक्टाइल होगा वो कम ब्रिटल होगा, और जो कम डक्टाइल होगा वो ज्यादा ब्रिटल होगा. यानी जिसका प्लास्टिक जोन लंबा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा स्टील का प्लास्टिक जोन लंबा होता है एज कंपेयर टू सॉफ्ट आयरन. सो सिंपल सी बात है, स्टील इज मोर डक्टाइल एंड सॉफ्ट आयरन इज बेसिकली वेरी वेरी ब्रिटल. जो कि तुम प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो, जो हमारे जो लंबे लंबे तार होते हैं वो स्टील के बनते हैं, जबकि जो हमारा सॉफ्ट आयरन होते हैं उससे हम नॉर्मल बार मैग्नेट्स बनाते हैं, उससे कभी भी हम तार बनाते हुए हमें देखोगे नहीं. तो स्टील में बड़े बड़े अगर हमें लेंथ चाहिए देन वी यूज स्टील. ठीक है, तो दैट इज मोर डक्टाइल एंड इट इज डेफिनेटली लेस ब्रिटल. तो जिसका प्लास्टिक जोन का लेंथ हमारा ज्यादा होगा, इट इज गोइंग टू बी मोर डक्टाइल बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव अस अ हायर स्ट्रेन. दैट मींस इसका जो लेंथ है वो काफी ज्यादा लंबे दूरी तक हम बढ़ा सकते हैं. गोल्ड इज हाईली डक्टाइल. ठीक है, लेड जो है दैट इज ऑल्सो सॉरी लेड इज वेरी लेस डक्टाइल. इट इज वेरी वेरी ब्रिटल, इज वेरी सॉफ्ट. ठीक है, तो ध्यान देना, अगर मैं दो ग्राफ ड्रॉ करूंगा, मान लो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, तो जो पहले का ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का है. ये हमारा स्टील का ग्राफ होता है इस प्रकार का, एंड सॉफ्ट आयरन का कुछ इस प्रकार का होता है. यानी इसे प्लास्टिक जोन बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, ये तुरंत टूट जाता है. सो ये अगर हमारा मटेरियल ए है, ये अगर हमारा मटेरियल बी है, तो हम सिंपली बोलेंगे ए इज मोर डक्टाइल देन बी. ए इज मोर डक्टाइल देन बी. राइट, राइट. नाउ अच्छा, अल्टीमेट स्ट्रेन हमें यह भी दिखाता है, यहां पे नेक फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए. तो थियोरिटिकली तो अप टू रप्चर हम डक्टिलिटी देखते हैं, लेकिन बेसिकली हम नेक फॉर्मेशन के पहले तक ही डक्टिलिटी चेक करते हैं, क्योंकि एक बार नेक फॉर्मेशन हो जाए उसके बाद उस वायर एक्चुअली कोई काम का होता नहीं है, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा भी मैं उसको लेके कोई छेड़छाड़ करने जाऊंगा दैट वायर विल बेसिकली ब्रेक. तो थियोरिटिकली स्पीकिंग हम अपने प्लास्टिक जोन में जो डक्टिलिटी देखते हैं वो यही तक अप टू द मैक्सिमम यानी अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट तक ही देखते हैं, यानी जस्ट बिफोर द नेक फॉर्मेशन. ये वाला पार्ट के लेंथ हम कंपेयर नहीं करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा क्लोज कंपेरिजन कोई करवाएगा नहीं. मोटे मोटे तौर पर हम बोलेंगे जो प्लास्टिक जोन जितना बड़ा होगा, वो प्लास्टिक जोन जितना बड़ा होगा सिंपल सी बात है वहां पर उसका डक्टिलिटी उतनी ज्यादा होगी. एंड ब्रिटलनेस और डक्टिलिटी आर जस्ट द इनवर्स क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर. इसके बाद होता है टफनेस. इसमें होता है टोटल मोर एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब्ड. यानी बेसिकली अगर हम इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों रीजियन का रेजिलियंस को ऐड कर दूं, तो बेसिकली इट इज द टोटल रेजिलियंस. यानी जो टोटल एरिया अंडर द कर्व है, जो टोटल एरिया अंडर द कर्व है
वो टोटल एरिया अंडर द कर्व जितना ज्यादा होगा, हम बोलते हैं वो चीज का टफनेस उतना ज्यादा होगा। यानी कोई एक चीज को रप्चर करवाते हुए उसके अंदर रप्चर के जस्ट पहले एट मैक्स जितना एनर्जी मैं स्टोर करवा के रख सकता हूं, वो एनर्जी को हम बोलेंगे सिंपली टफनेस। तो ये बड़ा वाला ग्राफ में ये जो डॉटेड रीजन है, ये टोटल एरिया विल गिव मी नथिंग बट द टफनेस। अच्छा, एक टर्म होता है मैलिएबिलिटी, जिसके साथ इस ग्राफ का कोई संबंध नहीं है। ध्यान देना, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ की हमारी जो औकात है वो केवल और केवल हम लॉन्गिट्यूडनल के बारे में ही बात करेंगे। शियर और बल्क के बारे में हम कोई बातचीत हमारे सिलेबस में नहीं करते हैं। अगर इंजीनियरिंग में करोगे तो खैर आईआईटी के फर्स्ट ईयर में हर किसी को ये कोर्स करवाते हैं, ठीक है, तो वहां पे जाके बताएगा, वो मेरा काम नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमारा, उसके रिगार्डिंग बातचीत कर रहा हूं। मैलिएबिलिटी ये वाले ग्राफ से मैं देख ही नहीं सकता हूं। तो मैलिएबिलिटी जो है दैट इज बेसिकली अ शियर फोर्स कॉन्सेप्ट, मोर मैलिएबल implies easily sheet formation। जो चीज जितना malleable होगा उसके पतले sheets using, देखो पतले sheet बनाने के लिए हमें shear force लगाना पड़ेगा, तो जो आसानी से हमारा sheet बनाता है तो उसको हम बोलते हैं it is more malleable। गोल्ड इज हाईली मैलिएबल, गोल्ड इज ऑल्सो वेरी हाईली डक्टाइल। अच्छा, इसके मतलब ये मत समझना, अच्छा सर तो मैलिएबल होगा तो डक्टाइल भी होगा, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। गोल्ड डक्टाइल मैलिएबल दोनों है, बट लेड इज अ ब्रिटल बट हाईली मैलिएबल। लेड का में शेयर फोर्स जो है वो शेयर फोर्स आसानी से झेल पाता है और अच्छे शीट बना पाता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल फोर्स झेलने में हमारा जो लेड है वो बहुत ज्यादा बुरा है। इनफैक्ट लेड में हम नाखून से स्क्रैच भी कर सकते हैं, उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो लेड इज एक्चुअली वेरी ब्रिटल बट इज हाईली मैलिएबल। सो मैलिएबल हम इस ग्राफ से डिस्कस कर ही नहीं सकते हैं, इट्स अ शेयर फोर्स कॉन्सेप्ट। और जितना ज्यादा मैलिएबल होगा उतना आसानी से हम उसके पतले पतले लंबे लंबे शीट्स बना सकते हैं। तो ये जो टर्म्स है वो टर्म्स हमें मालूम रखना है। जो ग्राफ्स मैंने समझाया उस ग्राफ का एक एक पॉइंट हमें समझना पड़ेगा। एनी हाउ ध्यान देना है, ये ग्राफ मैं बनाया हूं फॉर स्टील, बाकी नॉर्मली ज्यादातर मटेरियल्स के लिए बी और सी पॉइंट कोइंसाइड करता है। ब्रिटल मटेरियल के लिए ये नेक फॉर्मेशन और रप्चर भी प्रैक्टिकली कोइंसाइड कर जाते हैं, एंड ये जो प्लास्टिक जोन हमें मिलता है वो हमें बेहद ही छोटा मिलता है। राइट दोस्तों, तो ये वाला ग्राफ मैंने एक एक पॉइंट शांति से एक्सप्लेन कर दिया। मेक अ प्रॉपर नोट्स, रिमेंबर दिस, टर्म्स में गलतियां नहीं होनी चाहिए। एडवांस में के लिए स्पेशली ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे बुक्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट दे रखा है, एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बुक्स में गलतियां भी है इस ग्राफ के रिगार्डिंग। ओके दोस्तों, तो समझ लेना पहले इसमें। नाउ वी विल मूव ऑन टू एन अनदर टाइप ऑफ ग्राफ जिसको हम बोलेंगे हिस्टेरेसिस कर्व, राइट। है दोस्तों, तो अब हम लोग हिस्टेरेसिस कर्व पे जाते हैं। अच्छा, व्हाट इज बेसिकली द फिनोमेना ऑफ हिस्टेरेसिस, अगर हमें कोई पूछे तो ध्यान देना, द रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज इंस्टेंटेनियस।
ध्यान दो क्या बोलना चाह रहा हूं। हम ये मानते हैं जो स्ट्रेस चेंज होगा तो अचानक से स्ट्रेन चेंज होगा, एक्चुअल में ये होता नहीं है। जो स्ट्रेन का रिस्पॉन्स होता है वो स्ट्रेस का रिस्पॉन्स से नॉर्मली थोड़ा सा लैग करता है, राइट। तो देखो एक्चुअल में हमें थियोरिटिकली एकदम परफेक्टली लीनियर स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए होता है। देखो स्टील वगैरह के लिए का हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अगर हमारा ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे तो हमें वो स्ट्रेट लाइन नजर आ तो जाता है लगभग लगभग, लेकिन उसको अगर हम जूम आउट करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है जो बेसिकली उस ग्राफ के अंदर एक सब्सटेंशियल नॉन लिनियरिटी रहती है इवन विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट। यानी बेसिकली बात समझो, मैं कोई स्प्रिंग को धक्का दिया तो स्प्रिंग को जब मैं धक्का दूंगा तो वो स्प्रिंग का लेंथ का चेंज होना और मेरे धक्के के बीच में एक छोटा सा ही सही लेकिन एक फाइनाइट टाइम गैप तो डेफिनेटली होने वाला है, वरना स्प्रिंग को वो झटका महसूस ही नहीं होगा। कोई भी चीज का ट्रांजिशन में एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम तो होता है। तो जब हम मेटल्स को लेकर बात करते हैं तो मेटल्स पे तो वो चीज उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास इलास्टोमर्स है लाइक रबर, तो इन द केस ऑफ रबर we get a very substantial non-linearity, very, 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 very substantial. Yani there's a serious lag between the strain response and the stress response. Stress response होने के काफी देर बाद हमें strain response मिलता है, यानि force मेरा अचानक से बढ़ता है, लेकिन मेरा strain उतना जल्दी जल्दी नहीं बढ़ता है. Due to that lag, जो हमारा stress-strain curve है, वो एग्जैक्टली परफेक्टली लिनियर नहीं मिलता है इवन विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट। ओके, सो व्हाट हैपेंस, देखो दिस इज सपोज स्ट्रेन। ओके, थ्योरेटिकली विद इन द इलास्टिक लिमिट इन दोनों में एक नियर रिलेशन होना, नियर लिनियर रिलेशन होना चाहिए था। मैं थोड़ा टेरा ड्रॉ, मतलब ऐसे इतना स्लोप होता नहीं है, मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। एंड विद इन द इलास्टिक लिमिट ये ग्राफ हमें मिलना चाहिए, बट इन एक्चुअलिटी वेन वी ड्रॉ, अगर हम लोड बढ़ा रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लोडिंग, ध्यान दो, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, सेम स्ट्रेन पाने के लिए हमें स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है थियोरिटिकली। यानी थियोरिटिकली मेरा स्ट्रेस का रिस्पॉन्स ये था तो स्ट्रेन का रिस्पॉन्स तुरंत आ जाना चाहिए था, बट उतना स्ट्रेन का रिस्पॉन्स एक्चुअली थोड़ा सा लेट आता है एज कंपेयर टू द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। It happens during the time of loading. तो loading के दौरान ये perfectly linear नहीं होके इस प्रकार के थोड़ा curve होता है। जैसे जैसे मैं proportional limit से अब elastic limit की तरफ जाता जाऊंगा तो वहां पर हमें deviation थोड़ा ज्यादा मिलता है comparative to the initially. Initially बहुत ज्यादा difference हमें देखने को नहीं मिलता है। वापस जब मैं unloading करता हूं तो भी इन दैट केस हमें परफेक्टली लिनियर रिलेशन नहीं मिलके एक कर्व्ड रिस्पॉन्स मिलता है, अगेन ड्यू टू दैट लैग। इट हैपेंस ड्यूरिंग द अनलोडिंग। तो अगर हम लोडिंग करेंगे और अनलोडिंग करेंगे तो इन दैट केस ये वाला जो हमारा परफेक्टली लिनियर ग्राफ हमने एक्सपेक्ट जो किए थे, ध्यान देना, ये सीधा ऐसे ऊपर जाएगा और उसके बाद सीधा ऐसे नीचे आएगा। स्ट्रेस बढ़ाता जाऊंगा, लिनियरली बढ़ेगा, आगे जाके थोड़ा सा कर्वेचर होगा एंड देन वापस थोड़ा सा वापस नीचे आएगा। तो ये हमने ग्राफ एक्सपेक्ट किए थे, बट एक्सपेक्टेशन से क्या होता है, एक्चुअलिटी में ये हमें ग्राफ मिलती है एंड दिस इज कॉल्ड
the hysteresis loop. This is called the hysteresis loop. और इस लूप के अंदर जो एनर्जी होती है, अच्छा मैं बार बार बोला था एक चीज, जो हमारा लोडिंग प्रोसेस जो है वो हमारा क्या होगा, हमेशा एक्सोथर्मिक होगा और अनलोडिंग प्रोसेस हमेशा एंडोथर्मिक होगा. यानी ध्यान देना, बहुत सिंपल सी बात है, ये जो हमारा लूप, इसका जो एरिया है, दिस एरिया विल गिव मी द हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन अ साइकिल. जब एक साइकिल हम कंप्लीट करते हैं तो उसके दौरान जो हीट प्रोड्यूस होता है पर यूनिट वॉल्यूम, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, हमारा हिस्टेरेसिस लूप. ठीक है, अंडरस्टूड? This graph is drawn for like say soft iron. The hysteresis loop is pretty thin. But अगर जो मेरे पास proper elastomers होते हैं, ठीक है, यानी जैसे for example rubber, का जब हम hysteresis loop बनाते हैं, this is stress, this is strain. रबर का जो हम हिस्टेरेसिस लूप बनाते हैं, उस हिस्टेरेसिस लूप में वी गेट अ सब्सटेंशियल डेविएशन फ्रॉम द नॉन लिनियरिटी एंड द ग्राफ लुक्स समथिंग लाइक दिस. दिस इज लोडिंग एंड दिस इज अनलोडिंग एंड वी कैन क्लियरली सी For rubber, we get a pretty thick loop. यानी hysteresis का effect जो metals है, जो metal rods होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा कम होते हैं, लेकिन बाकी जो हमारे rubber bands या फिर मान लो हमारे normal eraser होते हैं, उसमें, इन सब चीजों में हमारा जो hysteresis का effect है, that effect is very 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 prominent. तो यहां पर जो हमारा heat produced per unit volume होगा in one cycle, that will be substantially higher than that in the case of metallic loop, metallic wire. ठीक है, अच्छा अब एक बार ध्यान देना, हम लोग टेंसाइल और कंप्रेशन को एक्चुअली सिमिलरली ट्रीट करते हैं. ठीक है, हमारा टेंसाइल और कंप्रेशन को हम एक्चुअल में सिमिलरली ट्रीट करते हैं, बट एक्चुअल में टेंसाइल और कंप्रेसिंग फोर्स दोनों के नेचर में सब्सटेंशियल डिफरेंस होता है, एंड जिस कारण पे बॉडी जैसे रिस्पॉन्ड करता है, वो रिस्पॉन्स में भी हमें एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ डिफरेंस जो है वो मिलती है. वो जो रेस्पॉन्स होता है सिस्टम का, उस रेस्पॉन्स पे भी हमें एक सब्सटेंशियल डिफरेंस मिलता है. तो ध्यान देना, मैं बस एक ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा हूं क्योंकि हमारे सिलेबस में एज सच नहीं है, बस थोड़ा सा. अगर मैं बाई डायरेक्शनल स्ट्रेस स्ट्रेन देखूं, दिस इज स्ट्रेस, this is strain. So ध्यान देना, ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड हमारा क्या होता है, टेंसाइल. अच्छा ये हो ही नहीं सकता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट एज सच हमारा यूजलेस होता है, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट. जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, दैट इज बेसिकली कॉम्प्रेस. ठीक है, समझ में आया? तो वहां पर टेंसाइल फोर्स है और यहां पर कॉम्प्रेसिव फोर्स है. तो थियोरेटिकली तो हम लोग दोनों चीज को सेम मानते हैं. तो
हम तो मानते हैं दोनों तरफ ऐसे ही परफेक्टली लीनियर रिलेशन मिलेगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये होता नहीं है। इसमें हमें अगर टेंशन और कंप्रेशन दोनों को मैं सब्सटेंशियली एक साइकिल में करूं तो इन दैट केस दिस इज ड्यूरिंग द लोडिंग एंड ड्यूरिंग द अनलोडिंग ऑल्सो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन इश्यू रिगार्डिंग दिस। जब हमारा स्ट्रेस जीरो होता है तो भी एक्चुअल में स्ट्रेन जीरो होता नहीं है। वी हैव टू अप्लाई एक्चुअली उसमें थोड़ा नेगेटिव स्ट्रेन डेवलप हो जाता है इन द केस ऑफ जीरो स्ट्रेस ड्यूरिंग द लोडिंग एंड ड्यूरिंग द अनलोडिंग स्ट्रेन बच जाता है इवन आफ्टर द स्ट्रेस इज रिमूव्ड। एंड अगर मैं टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव दोनों में एक स्ट्रेस में करूं, दोनों में एक साइकिल पे देखूं, तो दिस विल बी द करस्पॉन्डिंग हिस्टेरेसिस लूप। यानी वो परफेक्टली ओरिजिन के थ्रू पास नहीं करता है, उसमें थोड़ा बहुत स्ट्रेन और स्ट्रेस लोडिंग और अनलोडिंग के केस में बच जाता है। टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव प्रॉपर्टी एक्चुअल में सॉलिड्स के लिए डिफरेंट होता है, यानी परफेक्टली स्प्रिंग तो होते नहीं है। हमारे जो पोटेंशियल एनर्जीज के ग्राफ्स होते हैं वो परफेक्टली सिमेट्रिक नहीं होते हैं, सो दे रिस्पॉन्ड डिफरेंटली एंड दैट्स व्हाई हमें इस प्रकार का हिस्टोरिसिस मिलेगा अगर हम टेंशन और कंप्रेशन दोनों को एक साथ देखने को जाए इन दैट केस। तो ओके दोस्तों, हम इलास्टिसिटी का चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने एक एक पॉइंट यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। इसके सारे जितना भी क्वेश्चन मैं कराया हूं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल क्वेश्चंस, तो उनको ढंग से देखना दोस्तों। एंड काफी बाकी आसान चैप्टर है, ठीक है, मैं जितना क्वेश्चंस कराया हूं वो अगर ढंग से समझ लोगे तो इसके बाहर कोई भी और प्रोफाइल के क्वेश्चंस नहीं आएगा। वैल्यूज चेंज होंगे, थोड़ा बहुत सिचुएशन में चेंज आएगा, लेकिन मेन जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो हर क्वेश्चन में इतना ही सीमित रहने वाला है। अदरवाइज को सिलेबस के बाहर पूछना पड़ेगा। हाँ, इंजीनियरिंग में इस चैप्टर के स्कोप जो है वो इनफाइनाइट है, बट एनी हाउ वो करना हमारा यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता है। ओके दोस्तों, थैंक यू।